बच्चों, एक बार फिर से आपका आर के केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आइए आज हम रिजोनेंस का सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो रिजोनेंस है क्या, अनुनाद हिंदी में बोलते हैं। वास्तव में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रिजोनेंस कॉन्सेप्ट आया। ठीक, जैसे होता क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन, किसी व्यक्ति की आपको प्रॉपर्टीज़ बताना है, तो आप उसका एक चेहरा देख के नहीं बता सकते वो कितने चेहरों में है, कितनी परिस्थितियों में कैसे रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं शादी देखने जाते हैं किसी बच्चे के लिए, तो आप लड़के का क्या क्या देखते हैं कि लड़के का क्या बैकग्राउंड है, लड़के के पास कितनी ज़मीन है, और लड़का क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं, क्या लड़का कमाता है कि नहीं, कितना कमाता है, लड़के का नेचर कैसा है। अगर आप सभी चीज़ों के, बच्चे के बारे में, लड़के के सभी चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप जान जाएंगे कि लड़का ठीक है। तो उसके कई पहलुओं को ध्यान देना होता, बट एक पहलू को ध्यान देकर आप किसी बच्चे का चयन नहीं कर सकते कि वो अच्छा है कि बुरा। वैसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं रिजोनेंस कॉन्सेप्ट से। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं देर आर सम मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच आर फाउंड इन मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। जनरली यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम करते हैं तो लेविस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम लोग। देर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन मोर देन वन स्ट्रक्चर्स देन their properties can be explained with seeing all the structures। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल की कहानी आपको बताना, कुछ कैसा है, तो उसके सभी स्ट्रक्चर्स को देखना होगा। अब सभी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ ड्रा करता हूँ, इसी टेक्निक का ही नाम रिजोनेंस है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ बेंजीन की, सबसे ज़्यादा स्टडी बेंजीन पर हुई है, केकुले ने किया। वास्तव में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला केकुले खोज चुके थे, बट इसका स्ट्रक्चर ये कई सालों बाद बना पाए। तो इसका स्ट्रक्चर जब इन्होंने ड्रा किया तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रा किया। ओके, अब ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप, लेकिन केकुले ने कहा बेंजीन का एक स्ट्रक्चर और भी है केकुले के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा क्या, जो ये पाई बॉन्ड है, वास्तव में पाई सिग्मा पाई, कहीं पर भी ये व्यवस्था है, इसका नाम है कंजुगेशन। दिस अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स इज नोन एज कंजुगेशन। अगर ऐसी व्यवस्था किसी भी मॉलिक्यूल्स में है, ऐसा अरेंजमेंट है, तो पाई बॉन्ड घूमेगा, रुकेगा नहीं। ये इधर आएगा, इधर भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो ये दूसरी व्यवस्था देखने को मिली। ये देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये दोनों आपके हो गए, केकुले भाई साहब ने बनाया था, ये केकुले स्ट्रक्चर हो गए। ओके, दीज आर द केकुले स्ट्रक्चर्स। अब अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देख के आप बेंजीन के सभी प्रॉपर्टी, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख के बेंजीन की प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट एक भाई साहब दीवार थे, उन्होंने कहा रुके, अभी बेंजीन के और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो उन्होंने अलग से तीन लेविस स्ट्रक्चर ड्रा किए। देखिए बेंजीन के एक स्ट्रक्चर, देखिए ये ड्रा किए, एक दो तीन, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी अल्टरनेट क्रम में पाई बॉन्ड है, याद रखिएगा। देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये अरेंजमेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा एक दूसरा अरेंजमेंट इसका, ये भी पॉसिबल है। ये दीवार भाई साहब बनाए हैं, इन्होंने कहा एक अरेंजमेंट और भी पॉसिबल है। ठीक, और ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है। दीज आर द दीवार स्ट्रक्चर्स।
अब जरा देखिए कुल मिला के बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर हैं, मैक्सिमम स्टडी रिजोनेंस पर इसी बेंजीन पे किया गया, बाकी मैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को रिजोनेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो अगर आप बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा, समझ रहे। तो इन पूरे ये जो पाँचों स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा गया है। पाँचों स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको और एक नाम दिया गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसको एक नाम और दिया गया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं या इसको आप इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता, क्या ये इमेजिनरी वास्तव में दिमाग की उपज है? बेंजीन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, नहीं पाया गया बेंजीन ऐसा। कोई अगर कहे बेंजीन इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, नहीं, मैं मान ये बेंजीन किसी इस रूप में पाया ही नहीं गया, ये दिमाग की उपज थी केकुले और दीवार की। वो वास्तव में बेंजीन की सच्चाई जानना चाहते थे, बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को जानने के लिए ये लोग शुरू शुरू में ये सब स्ट्रक्चर्स ड्रा किए और फाइनली बताए क्या कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है ये है। देखिए ये सब बता रहे हैं बेंजीन में पाई बाउंड घूम रहा, इन्होंने भी बताया पाई बाउंड घूम रहा, इनका भी वही तरीका पाई बाउंड घूम रहा है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का आ गया, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसी का नाम है, एक्चुअली स्ट्रक्चर का नाम है रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, ये रियल स्ट्रक्चर है। तो क्या अब आप कहेंगे सर ये स्ट्रक्चर्स क्या बेंजीन के नहीं होते हैं? देखिए वास्तव में बेंजीन अगर कहीं रखा है तो आप ये मान सकते हैं कि जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा, पाई बाउंड घूमना हो रहा है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें कितना है। देखा क्या गया जो केकुले स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन इस रिजोनेंस हाइब्रिड की तरफ मैक्सिमम होता है, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे जान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन बेंजीन की तरफ लेस होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं बेंजीन का जो मेन फेस है ये प्राइमरी फेस ये है, लेकिन बेंजीन कभी कभी सेकेंडरी फेस में, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो एक्चुअलिटी एक आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता, आपको क्रोध आ जाता, तो कोई कहे तो बड़े गंदे आदमी हैं, लेकिन वो क्षणिक था। तो वास्तव में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, क्षणिक हैं, इनका मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इनका रोल है, लेकिन केकुले स्ट्रक्चर्स का मैक्सिमम रोल माना गया। अर्थात अच्छा ये जो रिंग मैंने बनाया ये 6π इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है, 6π इलेक्ट्रॉन ग्रुप है। अच्छा एक चीज़ और है, वास्तव में अगर देखा जाए ये क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। केकुले ने कहा मेरे पास जो बेंजीन मैंने ड्रा किया है उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। देन से देखिए डबल 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 सिंगल सिंगल, तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए थी, सिंगल की 1.54 एंगस्ट्रॉम आई थी। लेकिन जब एक्सरे से भाई जब धीरे धीरे एक्सरे टेक्नोलॉजी आ गई तो जब बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ नहीं मिली बल्कि इसके एवरेज बॉन्ड लेंथ मिली, एवरेज बॉन्ड लेंथ मिली, और वो भी कितनी मिली 1.39 एंगस्ट्रॉम मिली। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेंजीन में ना तो प्योर डबल बॉन्ड है, इट मींस बेंजीन डज नॉट हैव प्योर डबल बॉन्ड आर नॉट प्योर सिंगल बॉन्ड, दे हैव द इंटरमीडिएट बॉन्ड करेक्टर्स बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो इसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे में। अब जरा देखिए इसका मतलब रिजोनेंस यही घटना है किसी भी मॉलिक्यूल जिसके एक से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल। बेंजीन के देखिए कितने 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और ये रियल स्ट्रक्चर है। अब सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ ड्रा करके कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ये एक्सप्लेन करेगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन करेगा, थोड़ी बहुत ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आप बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर जान जाएंगे वास्तव में बेंजीन कैसा है, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये। तो वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक साथ ड्रा करना और उनके बारे में समझना ही रिजोनेंस है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिजोनेंस, मैं एक दूसरी रिजोनेंस इज ए फिनोमिनन, वह घटना है इन विच ऑल द लेविस स्ट्रक्चर एंड
रिजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड इज रिटेन ऑन कॉपी टुगेदर। यह एक टेक्निक है जिसपे रिजोनेंस हाइब्रिड को साथ साथ उसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को एक साथ लिखा जाता है। ऐसा आपके सामने देखिए, मतलब ये कह सकते हैं कोई एक व्यक्ति तीन चार रूपों में पाया जाता, अच्छा बुरा बहुत अच्छा, उन सबको एक साथ आपके सामने सभी स्ट्रक्चर्स को बता दिया जाए तो आप शायद मेजर कर सकते हैं कि आदमी कैसा हो सकता फाइनली। और मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लेकिन रिटर्न ऑन द ऑन कॉपी टुगेदर। तो हाँ, बात ये कर रहे थे कि अब जो बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ मिला 1.39 एंगस्ट्रॉम मिला, इसका मतलब ये कि बेंजीन डज नॉट हैव प्योर आइदर प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड, बट दे हैव इंटरमीडिएट करेक्टर्स बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और ये जो इंटरमीडिएट करेक्टर्स है वो बताता है कि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये ना हो के ये है, ओके सॉरी ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब बेंजीन को रिएक्शंस कराया गया, माना गया कि अगर उसमें तीन डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन करना चाहिए, बट जनरली जो कंपाउंड्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। याद रखिएगा, बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन नॉर्मली। It means they don't have double bond character। अर्थात बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं है तो कैसा ना, सिंगल है तो इसमें डेढ़ बॉन्ड है। अगर आप कह सकते हैं बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकाले, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, तो देखा गया 1.5 आया। जबकि बेंजीन के केस में जो बॉन्ड आना चाहिए था, जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको मैं एमओटी में डिटेल बताऊंगा, बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम, उसी का बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो बेंजीन में देखा जाए 3C डबल बॉन्ड C के लिए तो दो आना चाहिए था, 3C सिंगल बॉन्ड C के लिए वन आना चाहिए था, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, लेकिन देखा गया इसमें जो C सिंगल बॉन्ड C का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, C बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5 आता है, ना कि डबल बॉन्ड आता है ना कि सिंगल बॉन्ड। इससे ये क्लियर होता है कि बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो डीलोकलाइज फॉर्म में है, और यही कारण है रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ओके, मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये पाई बॉन्ड घूम रहा है तो उससे क्या क्या बेंजीन पे फ़र्क पड़ रहा है ये भी ज़रा देख लिया जाए। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है उसके घूमने से बेंजीन मॉलिक्यूल्स पर काफ़ी कुछ जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस इफ़ेक्ट को रिजोनेंस एनर्जी के रूप में भी मेजर किया गया है। लेकिन बेंजीन के अलावा भी आप कुछ और मॉलिक्यूल्स के रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एसीटेट आयन है इसका नाम, एसीटेट आयन, ये भी रिजोनेंस शो करता है, जो इसका नेगेटिव है, एक नेगेटिव मतलब होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बैलेंसी ऑक्सीजन के दो होती है तो एक बैलेंसी में रह नहीं पाएगा, तो ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज होगा, ये पाई बॉन्ड इधर भागेगा, आगे मैं बताऊंगा भी इसका और कंडीशन में। तो देखिएगा इसका एक नया रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिला कुछ इस तरह से मिला। अब जरा एक चीज़ और देखिएगा, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, डबल दो मुही एरो है, रिजोनेंस में इसी एरो का प्रयोग होगा, एरो, या इसको आप रिजोनेंस एरो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया पहला दूसरा। अब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसे केकुलो स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, इसे कैनोनिकल बोल सकते हैं, रिजोनेंस बोल सकते हैं, केकुलो केवल बेंजीन स्ट्रक्चर्स के केस में बोलेंगे। अब इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, न फर्स्ट रियल है न सेकेंड रियल है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। भाई देखा जाए एक ही निगेटिव चार्ज है एसीटेट आयन पर, बट ये कभी इस ऑक्सीजन पर है कभी इस ऑक्सीजन पर, इसका मतलब 50% चार्ज इस ऑक्सीजन पर 50% भाई एवरेज बनाना है। वास्तव में जो रिजोनेंस हाइब्रिड है इट इज़ द एवरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑल रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये कहीं ना कहीं सभी रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कवर करता है, उसके बीच की अवस्था आप कह सकते हैं, मतलब सभी रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। रिजोनेंस हाइब्रिड का मतलब यही हुआ, इट इज़ द एवरेज स्ट्रक्चर्स, आप लिख सकते हैं ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। अब जरा देखिए इसका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से घूम रहा है, ये देखिए इस तरह दिखा दिया जाएगा, इट इज द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए। ऐसे आप एस्टिक एसिड को भी ले सकते हैं, एस्टिक एसिड को भी ले सकते हैं, ये देखिए दिस इज द एस्टिक एसिड, इसी का कॉन्जुगेट पार्ट है, इसी का एच निकाल दें तो ये मिल जाएगा। अब जरा देखिए इसके पास जो लोन पेयर है ये इधर मूव करेगा, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, कुछ इस तरह से एक नया रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेगा, CH3CO- डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, क्लियर है। अब जरा देखिए इसका मतलब, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाना चाहें तो देखिए क्या बनेगा रिजोनेंस हाइब्रिड में, CH3COOH, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा, ठीक। अब चूंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो आप यहाँ करेंगे सीधे सीधे माइनस प्लस, दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड, ओके, ये आपके रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा एक चीज़ और देखा गया, जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं कहीं कहीं रिजोनेंस हाइब्रिड के अपेक्षा जो उनकी एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, क्यों ज़्यादा थी उसका कारण आप समझ लीजिए। कहीं कहीं देखिए इनके ऊपर फुल माइनस है, ये एनर्जी का आर्डर है, ज़रा चेक कर लीजिएगा, अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर माइनस है, फुल माइनस है, पार्शियल माइनस है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं न्यूट्रल, ये आर्डर ऑफ एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होगा ज़रा देखिए, ये 1,00,000 रुपये का लोन लिए, जो लोन लिया है तो परेशान रहेगा, एनर्जी उसकी ज़्यादा रहेगी, ये पार्शियल निगेटिव को आप 50,000 मान लीजिए, 50% चार्ज है इसके ऊपर, तो कहीं कहीं ये कम परेशान होंगे, इनके ऊपर कोई ना तो लोन लिए हैं ना तो दिए हैं, तो ये आर्डर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये आप वैसे भी कोई पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर है, पोलर मतलब क्या उसमें प्लस माइनस होगा, ठीक है, नॉन पोलर मतलब उसमें जीरो चार्ज होगा, तो अगर फुल प्लस फुल माइनस है पोलर में तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस से, तो याद रखिएगा ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये माइंड में नोट कर लीजिएगा। और जस्ट अपोजिट स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा। तो कहीं ना कहीं जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाई एनर्जाइज्ड होते हैं, कहीं कहीं पोलर होगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको सेम लग रहे हैं, देखा जाए इस पर ओ डबल बॉन्ड है, ओ माइनस है, डबल बॉन्ड है, ओ माइनस है, इनको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, समान स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी इनकी जो एनर्जी है और स्टेबिलिटी होती है वो सेम होती है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर सेम, याद रखिए। और इनका रिजोनेंस हाइब्रिड में सेम कंट्रीब्यूशन होता है, जितना ये सहयोग करेगा इसको स्टेबल करने में सेम कंट्रीब्यूशन रखते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स।
जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर प्लस माइनस चार्ज है, तो इनको बोला जाएगा नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। जो स्टेबल होगा, देखिए नॉन पोलर है तो ये मोर स्टेबल होगा, ये पोलर है तो जाहिर सी बात है जो मोर स्टेबल होगा ये नॉन पोलर है। मैं इसी ऑर्डर को कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पोलर ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, पक्का है, नो डाउट। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके ऊपर खतरा हमेशा मंडराएगा। अब आप इस बात को पकड़िएगा, तो कहीं ना कहीं ये मोर स्टेबल है, तो जो मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर कंट्रीब्यूशन होगा, मोर कंट्रीब्यूशन। इसको जरा आप लिखें, तब मैं एक लाइन इसको लिखवा भी दे रहा हूँ। इट मीन्स द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैव मोर कंट्रीब्यूशन, द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैव सेम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, बट नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। बहुत सीधी सीधी बात, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैव सेम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, व्हाइल नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। इन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द स्ट्रक्चर which is more stable have more contribution towards resonance hybrid, towards resonance hybrid। अगर less stable है एंड वाइस वर्सा, लेस स्टेबल है तो लेस कंट्रीब्यूशन शो करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, सही भी है। तो अब इसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी से कितना डिफरेंस है। अगला टॉपिक हमारा होगा इसी रेजोनेंस के अंतर्गत, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं पहले तो सबसे ज़्यादा रिसर्च बेंजीन पे, तो बेंजीन को ही ले लेता हूं। अगर बेंजीन में मोस्ट स्टेबल लेविस स्ट्रक्चर की बात करें, मोस्ट स्टेबल लेविस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो ये आपका आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। उससे कम स्टेबल होगा केकुले और सबसे कम स्टेबल होगा दीवार। ऐसा मैं इस आधार पे कह रहा हूं, इसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक, इस आधार पे मैं कह रहा हूं। अब जरा देखिए, तो अगर मैं इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो जाहिर सी बात है अगर स्टेबिलिटी घट रही तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ लीस्ट एनर्जी। अब वो कैसी एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, या इसी को आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होगी,
और मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चीज़ की है तो लीस्ट स्टेबल है, हो सकता हो पाया ही ना जाता हो या पाया जाता हो बहुत कम हो, मतलब इनकी स्टेबिलिटी लीस्ट है, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करते हो। तो हमें मान के चल रहे हैं मेरे पास केकुले एग्जिस्ट करता और रिजोनेंस हाइब्रिड, तो इन दोनों की मैं एनर्जी डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और ये देखिए हमारे पास केकुले स्ट्रक्चर हो गया। इधर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी हो गई, उस मॉलिक्यूल के अंदर में क्या कुल एनर्जी है, ठीक है। इधर मेरा हो गया मॉलिक्यूल। अब इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है, भाई केकुले की एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, एनर्जी डिफरेंस मेजर किया गया 36 किलो कैलोरी पर मोल आया, और इसी एनर्जी का नाम दिया गया रिजोनेंस एनर्जी। इसका अर्थ ये हुआ 36 किलो कैलोरी पर मोल रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन केकुले स्ट्रक्चर्स। तो ये हम लिख सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिजोनेंस हाइब्रिड, कोई जरूरी नहीं बेंजीन, आप कोई और भी ले सकते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड एंड मोर स्टेबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर केकुले है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी। याद रहे एज रिजोन, जनरली एनर्जी के बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटती है, लेकिन रिजोनेंस एनर्जी एज रिजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ओके, अच्छा ऐसा भी देखा गया जिसमें ग्रेटर डीलोकेलाइजेशन हुआ, जिसमें पाई बॉन्ड जितना भगा ग्रेटर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होता उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, और जब ग्रेटर नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो याद रखिएगा ऐसा मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में 5 स्ट्रक्चर्स मिले हैं ग्रेटर डीलोकेलाइजेशन, तो यही कारण है बेंजीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, रिजोनेंस एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं कंडीशन के बारे में बताऊंगा रिजोनेंस कब देखने को मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। तो नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द कंडीशन व्हेन रिजोनेंस कैन बी सीन। ओके, तो देयर आर सम कंडीशन इफ यू कैन नो इजली ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिजोनेंस एंड रिजोनेंस हाइब्रिड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर रिजोनेंस। भाई ये भी तो जरूरी है कि कब रिजोनेंस देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए कंडीशन में, पहला तो ये पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, चपटा होना चाहिए, तभी ये देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है डीलोकेलाइज करने के लिए, वो इजीली, और जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज करेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनने की संभावनाएँ हैं, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ज़्यादा स्टेबल हैं। ओके भाई, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कब स्टेबल होंगे। जैसे जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप एज ए स्टूडेंट बन जाते हैं टीचर्स के सामने, घर पे आते हैं तो एज ए बच्चे बन जाते हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ दोस्त बन जाते हैं। तो बस यही कारण है आपके स्टेबल होने का। लेकिन अगर आप ये दोस्त के साथ स्टूडेंट बन जाए तो कहेगा अरे यार हमेशा पढ़ते रहे तो पागल हो क्या, तो वो आपको डांट के भगा देगा। तो जितने ज़्यादा आप जैसे लोग, मतलब जैसा देश वैसा भेस वाला कॉन्सेप्ट है, यही रिजोनेंस है। कंडीशनल हो जाइए, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सामने वाला कोई
क्रोधित आदमी आ जाए तो भाई साहब नमस्ते कर लीजिए, सामने वाला कमजोर आ जाए तो डांट दीजिए। दिस इज द रिजोनेंस। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, कॉन्जुगेशन शुड बी। ये क्या है कॉन्जुगेशन भी जरा देख लीजिए, मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ओके, इट्स ओके, ये डबल बॉन्ड है और इसके मान लीजिए मैंने कोई कार्बन जोड़ दिया, कार्बन, और इसके बगल मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया। तो अब जरा देखिए, इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ये वाला जो कार्बन है इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट कार्बन। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट कार्बन। तो वैसे अब जरा देखिए, अगर यहाँ इस कॉन्जुगेट कार्बन से मैं एक डबल बॉन्ड और लगा दूँ तो इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ये डबल बॉन्ड कहा जाएगा कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। क्या कहा जाएगा? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। अब से ये डबल बॉन्ड है, ये तो ये भी कॉन्जुगेट कार्बन, ये भी कॉन्जुगेट, ये सब कॉन्जुगेट कार्बन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा उसे कॉन्जुगेट एटम कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत कि जो डबल बॉन्ड होना चाहिए वो कॉन्जुगेट पोजिशन में होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आर्डर होना चाहिए। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहला पॉइंट है कि अगर ऐसा है तब तो घूमेगा पाई बॉन्ड, और जब घूमेगा तभी तो रिजोनेंस देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, या इसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ऐसे ही अगर आप कहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर भी इसे बोला जाएगा कॉन्जुगेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं एन पाई कॉन्जुगेशन, ओके। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O, तो इसका अगर लेविस स्ट्रक्चर आप बनाएं तो जिसकी संख्या कम उसको सेंटर में रख दीजिए, जिसकी संख्या दो है उसको दूर दूर रखिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे इसको ऑक्सीजन के चारों तरफ ड्रा कर दीजिए। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दो दो का इनकी बॉन्डिंग हो गई। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में अपने बॉन्ड बनाने के लिए अपने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये H2O का लेविस स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से जरा देखिए, ये दो दो चार चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे, इनको बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ना बनाए, नॉन बॉन्डिंग, जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। तो दूसरा कॉन्जुगेशन ये है। अच्छा, तीसरा क्या कॉन्जुगेशन है? तीसरा पीपी कॉन्जुगेशन भी है। ये क्या है जरा देख लीजिए। पीपी कॉन्जुगेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी जरा इनके देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन, देखिए डबल सिंगल डबल, घूमेगा, पक्का है घूमेगा, नया रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जिसका इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसके पास प्लस चार्ज आएगा, जहाँ जाएगा वहाँ डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड जिधर शिफ्ट कर रहा वहाँ माइनस, ये तो पाई पाई कंजुगेशन हो गया। एन पाई वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, वाइनिल अल्कोहल है, इसका देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसका पाई बॉन्ड, ये देखिए ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है। सॉरी, यहाँ CH होगा, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये भी रिजोनेंस शो कर रहा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि घूमना शुरू कौन करेगा? अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो सबसे इजीली डीलोकलाइज करता, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करता, फिर पाई बॉन्ड करता है, और फिर सिग्मा बॉन्ड तो केवल एक जगह घूमता है, उस घटना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। वहाँ वास्तव में हाइपर हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तभी घूमता है, बाकी कहीं नहीं घूमता है। तो ये तो हो गया एन पाई। अच्छा, पीपी कॉन्जुगेशन कहाँ देखने को मिलेगा जरा देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, ये देखिए ये, अब इसके कॉन्जुगेट पर अगर प्लस चार्ज है तो प्लस मतलब ये होता है कार्बन के पास अगर प्लस है तो वो पी ऑर्बिटल्स में होता है, और ये पाई बॉन्ड भी क्या बना है,
पी पी आर्बिटल के बीच ही बनता है, पाई बाउंड ओवरलैपिंग ऑफ द आर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो आप समझ जाइएगा इसमें भी, यहाँ पर भी ये दोनों आर्बिटल मिलकर पाई बाउंड बनाते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू प्लस, तो ये पाई बॉन्ड इस प्लस की तरफ चला जाता है, ये प्लस वैकेंट आर्बिटल है, बुलाता है पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता है, ये देखिए। तो पीपी कंजुगेशन में एक तो ये पीपी कंजुगेशन का एग्जांपल है, ठीक है, एलाइलिक कैटायन, और दूसरा एलाइलिक फ्री रेडिकल भी हो सकता है। देखिए जरा ये, इनके पास भी वैकेंट आर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहते भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए, मैं अकेला हूँ। देखिए तो ये कुछ इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूट जाता है। याद रखिएगा अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, कोई मालिक्यूल फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल ही प्रोड्यूस करेगा, कोई कैटायन है तो कैटायन ही, भाई देखिए कैटायन था डिलोकलाइजेशन पे कैटायन ही प्रोड्यूस किएगा करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा प्लस माइनस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ये पीपी कंजुगेशन का एग्जांपल है। साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन की एक खास बात और आप समझ लीजिएगा, इसमें ड्यूरिंग डिलोकलाइजेशन, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पॉइंट और नोट कर लें, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और है, आप करेंगे क्या, जब भी आप रिजोनेंस की घटना को दिखाएंगे तो गलती से एटम को टच मत करिएगा। जो कुछ करना है रिजोनेंस के दौरान, वो पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ खेला खेलना है। तो एक पॉइंट और इसमें नोट करेंगे, द एटम्स आर फिक्स्ड ड्यूरिंग रिजोनेंस, याद रखिएगा, डज नॉट चेंज देयर पोजिशन, मतलब इसमें केवल पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर पोजिशन। वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हैं, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन कर सकता, नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन यस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यस, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन यस, क्लियर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यस, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि इसमें पाई बॉन्ड अगर है, पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, ओके, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, अभी मैंने दिखाया, फ्री रेडिकल है तो कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, यही सब आप करोगे, बट कभी गलती से भी पोजीशन ऑफ द एटम नहीं चेंज करोगे। ये पूरा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी का, इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ऐसा अब इसे मैं एक एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको लगे हाथ बता दे रहे हैं, तो ये पूरा रिजोनेंस खत्म हो गया, कैसे स्टेबिलिटी प्रभावित होती है उसको भी ज़रा देख लीजिए। तो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एस्टिक एसिड, और दूसरा मेरे पास है फिनॉल, ओके, अगर कहा जाए कि दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट स्टेबल है कि सेकेंड, तो कैसे, बस दो मिनट, तो स्टेबिलिटी चेक करना है तो आप पहले तो इनकी एसिडिटी जान लीजिए, एसिडिटी, दोनों एसिडिक हैं कि नहीं। भाई जिसके पास, याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन फान ब्रदर से जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन सन ब्रदर से जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन जॉन ब्रदर से जुड़ा हो, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ऐसे हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होते हैं। जहां पर भी होंगे पानी में इनको डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, खट से ये H प्लस रिलीज करेंगे, तुरंत ये टूट जाएगा CH3CO माइनस एसीटेट आयन और प्लस में, ये भी टूट जाएगा फिनॉक्साइड आयन में प्लस H प्लस में, टूट गया। अब देखते हैं जरा कौन, अभी पता चल जाएगा कौन स्टेबल है, इसको मैं और ओपन करके लिखना चाहता हूँ ये। अब जरा देखिए, निगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पर कंजुगेशन है, निगेटिव मतलब लोन पेयर, एन पाई कंजुगेशन, डिलोकलाइज होकर रिजोनेंस शो करेगा यस, क्या बना जरा देखिए, ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, ओके भैया, चलिए
क्या यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन है? हाँ, निगेटिव चार्ज मानी लोन पे है, सिग्मा पाई घूमेगा, पक्का है घूमेगा। ये देखिए, ये भी रिजोनेंस शो करेगा, कर रहा है, डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक, अब जरा देखिए, ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है, ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर्स है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, जबकि इसका ये नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है। क्यों? यहाँ ओ पर माइनस है, यहाँ सी पर माइनस है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, और ये लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? मैंने अभी बताया है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। जाहिर सी बात है, ये वाला पोर्शन मोर स्टेबल है, तो ये वाला कैसा होगा? लेस स्टेबल, क्योंकि इसको ब्राउनस्टेन लोरी ने बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर कोई कोई ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है? कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो उसका कंजुगेट एसिड लेस स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट। तो पक्का ये स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है तो जाहिर सी बात है ये मोर स्टेबल है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एसिटिक एसिड इज लेस स्टेबल देन फिनॉल, माने फिनॉल मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल है, क्या वो एच प्लस को लॉस करना चाहेगा? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्राइवेट में जाना चाहेगा, लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा? अर्थात एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ कि कहीं कहीं फिनॉल इज मोर स्टेबल, साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया, फिनॉल इज मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड। दूसरा पॉइंट इसे एक और निकल के आया कि अब ये लेस स्टेबल था, ये प्राइवेट जॉब था, ये मोर स्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब है, जल्दी से प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट में आ जाएगा। अर्थात एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ये बातें क्लियर हो गई आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के भी व्यू से, तो इसे नोट कर लें। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे वंडरवॉल फोर्स, इस दुनिया का सबसे कमजोर अगर कोई आकर्षण बल है तो इंसानियत वाला वंडरवॉल फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहें, थैंक यू सो मच।